हाँ जी, हाँ जी बोलिए। एक ही साल से काम कर रहे हैं हम यहाँ, पंडिताई के काम करते हैं, सेवा करते पूरे। ऐसे माहौल में क्या दिखाई दिया आपको? ऐसे माहौल में दुख वाली बात है, ऐसा माहौल आज तक नहीं देखे, एक ही साल में आज तक माहौल नहीं देखा, जिसको छोटे छोटे बच्चे माँ बाप मर गए, उसके दिल पे क्या बीतता है, उसको कौन परिवर्तन करे, पालेंगे उनको। एकदम इतनी बॉडी आई आप पे, तो आपने कैसे मैनेज करा उन सबको? मेहनत किए सारे, अपनी लगन से मेहनत किए, सबको विदा किए, सब परिवार के हाथ जोड़ के शांति पूर्वक। रात में सो पाए आप लोग? ना सो पाए, 12 एक ही को 2-2 बजे तक काम करवाया, 3-3 बजे तक काम करवाया। तो आपको इतना काम करने पे ना कहाँ से मिली, किसने आपको इतना मोटिवेट किया कि आपको ऐसा काम करना पड़ेगा? ऊपर वाले को करना है और क्या करने पड़ेगा। तो आप लोग कितने हैं यहाँ पे पंडित जो काम कर रहे हैं? हम 3 पंडित हैं, मेन 3 पंडित हैं। तो 3 पंडितों ने इतनी बॉडियाँ जला दी? नहीं, हेल्पर भी रखे। अच्छा, हेल्पर लकड़ लगाया, सारे काम किए, उसके बाद मंत्र हम लोग करें। आप लोग किस एनजीओ से हैं, किसके लिए काम कर रहे थे यहाँ पे? शहीद भगत सिंह सेवा दल है, एनजीओ है हमारे यहाँ। अच्छा, शहीद भगत। सरकारी कोई डिपार्टमेंट आपके पास आया? हाँ, 2 डिपार्टमेंट है, सरकारी डिपार्टमेंट है, 2 है यहाँ। एमसीडी वाले आपके पास में आए? हाँ, 2 है। उसमें इंस्पेक्टर साहब कौन कौन थे आपके? इंस्पेक्टर दीपक शर्मा, एक अश्विन नागर है जी। इनका नाम जानते हैं, इनको नायर साहब बोलते हैं। ये भटनागर जी बोलते हैं हमें। इनको ये दोनों मतलब पूरा हेल्प करवाया हमारे को, पूरा हेल्प करवाया हमारे को। सर, इन लोगों की बदौलत है कि हम इस महामारी में, इस युग में ऐसा काम कर पाए। लेकिन काम एग्जैक्टली क्या करते हैं यहाँ, तो नहीं बताया सर। काम इनका है कि जो भी डेड बॉडी आती है उसको पूरा क्रीमेट करना, उसको पूरा जलाना, वो लोग का इनका काम है। कोई बॉडी आई, उस बॉडी को हमें दाह संस्कार किया, अग्नि देने के बाद में उसके जो परिजन हैं वो चले जाते हैं। जाने के बाद भी 4-5 घंटे तक ये लोग उसमें लकड़ी देखते हैं, सेवा करते, घी डालना है, जो भी बॉडी को चाहिए वो लोग ये करते हैं। उसके अंदर पूरा 4 घंटे तक उसको पूरा क्रीमेट करेंगे, पूरा क्रीमेट होने के बाद में फिर ठंडी करेंगे उसको, फिर अगले दिन उसके परिवारजन आएंगे, चौथा करवाएंगे उसको, और उसकी बॉडी को, अस्थियों को इकट्ठे में देकर उनको दे देंगे, फिर अगली बॉडी तैयारी करेंगे यहाँ पे। ये इन लोगों ने एक चिता पे एक दिन में 2-2 बॉडी क्रीमेट किया है, वो इनके लिए सराहनीय है। जबकि अनुमन हम लोग 10-12 घंटे एक बॉडी को लेते हैं पूरा करने में, जिसमें इन्होंने 4-5 घंटे तक में पूरा किया है, पूरा अभिरत करके उनको संस्कार करवा कर। इन्हीं की देन है जो हम एक दिन में 115 डेड बॉडीज क्रीमेट कर पाए हैं। जिस दिन 115 बॉडी आई थी आप बोल रहे थे, 24 तारीख को, उस दिन का बताइए आप। उस दिन तो बहुत बुरा हालत है सर। क्या हुआ था? पूरा कमर, पूरा सुबह बैंड बज गया, पूरा कमर उमर सब दर्द कर रहे थे सर, क्या करे। तभी महामारी दम पर चले, करते सबको सहयोग है थे, मतलब अपने सर। आप ये लगा लीजिए उस दिन कि इन्हें ना सोना मिला है हम लोगों को, ना खाने को मिला है। इवन रात में 3 बजे तो मैंने खुद नहीं अपने आवाज़ से लगाई है। 24 अप्रैल को सुबह कितना बजे उठे थे? सुबह हम 6 बजे उठे थे। 6 बजे वहाँ से बताइए कहाँ रहते हैं आप? हम यही शमशान घाट में सोते, घाट यहीं सोते, 24 घंटे यहीं रहते थे। 6 बजे उठे? हाँ जी। और उस टाइम से फिर नहाए धोए, बॉडी आ रहा है, आ रहा है बॉडी। रात में 8-10 बॉडी रखे हुए थे हम, और रोक दिए हमके लिए। अब 4 बज गए, 1-1.5 घंटा के लिए आराम चाहिए हम लोग को आराम। फिर सुबह उठ के सब बॉडी को जो करता था उसको क्लियर किए। कितना बॉडी रखा था? 7-8? 7-8 बॉडी रखा हुआ था। हाँ, कुछ देर के लिए हम यहाँ 3-4 बंदे सब चला गए थे अपने नज़दीक में घर वो चला गए, फिर सब आगे से चले गए। हाँ, सब चले गए थे सर। केवल 3 बंदे हैं जो यहीं रहते हैं, बाकी जो और बंदे हैं वो सब आसपास के हैं। 2 और हैं। हाँ जी। हाँ, तो फिर इनको पहले अस्थि के फूल खाली करवाए, फूल खाली करवाने के बाद फिर उसे चिता जमाया, फिर वो बॉडी को कवर किया, फिर इतना लाइन लग गया फिर बॉडी पे। फिर वो कितने बजे से बॉडी आना शुरू? वो तो सुबह 7 बजे से, 7 बजे से सर। GTV से जो है आपका, वो सुबह 9 बजे बॉडियाँ चालू हो जाती हैं। GTV के यहाँ से 3 जगह बॉडी आती हैं अपना, एक सीमापुरी, एक आपका कड़कड़डूमा, दूसरा आपका गाजीपुर। सबसे अधिक बॉडी GTV की हमारे पास आई है उस दिन 40 के आसपास, बाकी और जगह पे 10-15 बॉडी गई हैं। राजीव गांधी के 15-20 आ गए। राजीव गांधी है आपका, SDN है। ये तो आपका हो गया हॉस्पिटल का, जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं अधिकांश सब यहीं पे आए हैं। उसके अलावा हम लोग जो पर्सनल घर से लेके आए हैं, जो होम क्वारंटाइन थे, हम लोग मेन दिक्कत उनमें आई है। होम क्वारंटाइन बंदा है, वो डेथ कर गया, उसे कौन लेके आए? होम क्वारंटाइन तो थोड़ा बाद में शुरू हुआ ना? नहीं, उस टाइम भी 2 वक्त थे जी, थे। तो हम लोग उसको जाते हैं वहाँ पर, बॉडी पैक करना है, पैक कौन करेगा? फिर जो ड्राइवर्स हैं हमारे, जो ड्राइवर साथ में हेल्पर है, बड़ी हिम्मत उन बंदों की।
अपने आप उन बंदों को पैक करा है, बॉडी को पैक करके एम्बुलेंस में लेके आना, फिर एम्बुलेंस लाके फिर यहाँ उतारना, यहाँ से भी स्ट्रक्चर पे अंदर लेके आना। उन लोगों ने बड़ी मेहनत करी है। नहीं, उसकी टीम अपनी अलग है, टीम अलग है, वो टीम लाती है उसको। इसके बाद संस्कार करवाना, ये केवल संस्कार करते हैं, जो टीम अंदर लेके आएगी वो, प्लस जो पेरेंट्स साथ में आए हैं वो उसको बॉडी को उठा के रखेंगे चिता के ऊपर। ये लोग भी मंत्र लग के अपना वो करते हैं पूरा पूजा पाठ, लकड़ी लगाना, पूजा लकड़ी लगाना आपका काम करते हैं सब। हाँ, पूजा पाठ सब हम पूजा पाठ भी। हाँ जी, अच्छा, तो पूजा पाठ में भी तो लोग फिर अलग अलग हाँ अपने अपने जैसे धर्म, जिसका जो रीति रिवाज है हम उसी रीति रिवाज से उसका क्रिया करवाते हैं। कोई जैन धर्म से है, कोई सिख धर्म से है, पंजाबी है, नहीं 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 सर, हम खुद ही ये खुद ही कराते हैं सर। ऑलरेडी ऑलरेडी चिता वही है, पंडित वही है, केवल रीति रिवाज अलग है। रीति रिवाज जिस रीति था उसी रीति रिवाज से करवाए। आर्य समाज आता है, जैनी आता है, वो जैनी जिससे वो बोलेंगे उससे हम करते हैं, उसी हिसाब से फिर पूजा पाठ करवाए। अच्छा अच्छा, फिर क्या सर, 4:30 सोया था, कमर कर थोड़ा थक गया था, हिम्मत नहीं होता दूसरे दिन बॉडी फूकने का। 23 हम छुट्टी मारेंगे, दूसरा कौन फूकेगा। 23 से लेके और 25 तक हम लोगों को ये बताया था कि हम सो रहे हैं, जग रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बस ये था कि काम करना है। सर दिल रोता है, अब भी हम जवाब नहीं दे पाएंगे उस चीज़ को, मन नहीं बता पा रहा, मतलब सब नहीं मिल पा रहे हैं हमें कि हम। हाँ, बॉडी आई हुई है एक और, बॉडी करवा रहे थे सर। ये इस तरीके से बॉडी यहाँ पे आती हैं और फिर पंडित इस तरीके से करवाते हैं। अभी आ रहे हैं वो लोग। अच्छा, ये है उनका क्या नाम था? सरवण। सरवण जी। हाँ जी। अच्छा, बॉडी आ गया। बॉडी आ गया। अच्छा, अभी क्या होगा? अब पूजा पाठ, पूजा पाठ करेंगे इसलिए। अच्छा, और ज्यादा लकड़ लगा के घर के परिवार आएंगे, चादर जलवाएंगे, समुद्री जलवाएंगे, फिर मटका तोड़वाएंगे इनका। मटका तोड़ने के बाद लकड़ ऊपर लगाने के बाद अग्नि प्रज्वलन करेंगे। हिंदी रिवाज हिंदू है। अभी पेरेंट्स आ रहे हैं इनके, वो बताएंगे आके, बताएंगे कि किसे करेंगे, मतलब कौन सा, वो जिस भी धर्म से हैं, कार्ड से हैं, वो उस हिसाब से हम लोग कराएंगे इसका। ये भी कोविड का ही है। हाँ, कोविड का है जी। अच्छा, कोविड से पता चला उसका पूरा समय देते हैं उसे लिख के लोग। अच्छा, अजीब आता है। जी, ये हॉस्पिटल से है सर जी। सब पूरा पैक है, आप देखें सर, चैन है इसमें, यदि ये चैन करके पूरा उसको बांधा हुआ है उन्होंने, ये पूरा पैक करके भेजा है। इसको चेहरा नहीं खुलवाएंगे सर? ना, चेहरा खुलेगा इसका, हम खोल के नहीं देखेंगे। जैसा जैसा हॉस्पिटल से आइए ऐसे की ऐसी रहेगी। बुलाओ भैया, बुलाओ। ये तो कांगड़े में ब्लॉक ये है। अच्छा, ये चेहरा नहीं। हाँ हाँ, ये पीछे से है सर। अच्छा सर, चेक कर गया ना, खोलेंगे हो सकता है कोई कीटाणु भरा जाए। हालांकि डेड बॉडी से नहीं आता है कोई भी, क्योंकि डेड बॉडी कोई चीज़ छोड़ती नहीं है। लेकिन जैसे हम किसी पत्थर छू रहे हैं, कोई जम्स इस पे हो, तो वही चीज़ इसके लिए है। तो हो सकता है कोई जम्स इस पे पड़ा हो, तो इसलिए हम लोग नहीं खुलवाते हैं। ये है, आपने परिचय नहीं दिया अपना, क्या नाम हो आपका? मेरा नाम है बद्री प्रसाद। बद्री प्रसाद, इनका भी वही काम है, आपके पे एक ही काम है। ये इनके हेल्पर हैं, वो इनके हेल्पर है, साथ रहते हैं इनके। आप क्या यूनिफॉर्म पहने हैं क्या? ये यूनिफॉर्म है पंडित जी का, ये पंडित जी का। हाँ, हमने कच्चे में भी काम करवाया पूरे। अच्छा, कच्चे में भी? हाँ। ऑफिस को क्या पहने थे? कच्चा। आपको चाहिए सर, तो बस करते रहना था काम ना, बुरा हालत सर। उस दिन पानी पीने का फुर्सत नहीं। सर उस दिन के बारे में तो हम लोग बोल नहीं पाएंगे कुछ। उस दिन तो ये था कि पहला बार केवल परमात्मा ना किसी ऊपर।
सर खुद आंसू आए थे, छोटे छोटे बच्चे उनके माँ बाप मर गए, एक एक साथ माँ बाप को खो गए, माँ बेटी के एक साथ में खुद अग्नि लगाए, दोनों जवान घर वाले बोले एक ही साथ मतलब इनको अग्नि लगाना, एक ही साथ में दोनों को चिता चौरा जमा, जिसे चिता परेशान एक और जमा कर बगल में एक ही साथ जलाए। अब एक ही घर के चार चार मौत हो गया, मैं खुद करवाया। अभी पीछे अब कल भी आया था जजमान सूर्याराम परस के थे, कह रहा पंडित जी उस दिन भाभी मरा, आज मेरा सिस्टर खत्म हो गया, महाराज आप ही कब्र कर्म कराओगे, जरूर बाबू जी मैं करवाऊंगा। जजमान हाँ नहीं संडी जी बता रहे थे, एक बच्ची थी, वो बच्ची बेचारी वो अपना फादर का क्रिमिनेशन कर रही थी। वो अभी कितनों दो सौ करवा दिए होगा इस टाइम। सर ऐसे केस तो बहुत आए हैं जो हमारी बेटियों ने केस लगाए हैं, बेटी ने लगाया इस क्रिमिनेशन के अंदर अप्रैल और मई के अंदर देखें तो हम लोग करीबन 2000 के आसपास हम लोगों ने क्रिमिनेशन किया है। उन 2000 में अप्रोक्सली 500 के आसपास होगा कि बिटियाओं ने हमारी ने दाह संस्कार किया है। सर एक मजबूरी और हुई है, बाहर से यहाँ दिल्ली में काम करने आए, पति भाई या पिता बीमार पड़ा और डेथ कर गया, रिश्तेदार कोई आया नहीं, बाहर का और कोई साथ में आया नहीं, तो साथ में हम लोग लगे उनके, और लड़की ने या उनकी माँ ने या बहन ने बीवी ने उन्हें कमिट किया है। सर एक डेड बॉडी नहीं सर, वो खुद कोविड थे, बीच में कुछ एक दो बॉडी ऐसी आई है, वो बंदा आया कि मैं खुद कोविड हूँ, दूर से बात करी है, जो भी पेमेंट लगनी है लकड़ी की जिसकी भी उसने बाहर से बार पकड़ाई है और वो चला गया हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होने के लिए अपने आप, और बॉडी छोड़ गया है, उस बॉडी को हम लोग खुद किया है अपने आप से कमिट किया है। उनको फूल चुन के फिर लटका देते हैं। एक बॉडी जीटीवी से आई है, बेटा एक बॉम्बे में है, एक अमेरिका में है, अमेरिका से फ़ोन आया हमारे ऑफिस में, ऑफिस से फ़ोन आया हमारे पास, खुद लेके आए हैं चौथी मंजिल से, उसका कमिशन हम लोगों ने किया है और उसकी अस्थियां हम लोगों ने सामने रखी हुई हैं, जब भी कभी हरिद्वार जाएंगे तो सबको एक साथ लेके जाएंगे। अच्छा, वो सब रखे हैं अभी? हाँ सर रखी हैं, आप सामने देखेंगे ये जो कट्टे रखे हैं ना, वो कट्टे सब उसी के हैं। आइए सर, सर एक चीज़ दिखा देता हूँ आपको, ये आपका पूरा ग्रीनरी है, जब जगह नहीं हुई थी हम पे तो हमने ये भी क्रिमिनेशन कराया है यहाँ पे भी, ये जो बना हुआ है आपका ये भी गिंदी है। एक चीज़ और करिए सर हम लोगों ने, आइए ये केवल दो स्टेयर्स हैं यहाँ बनाने इसके पायल्स हैं जिसमें हम करते हैं। जब मामला दिखाई दिया कि ज़्यादा बॉडी आ रही हैं, जगह हमारे पास में है नहीं, तो हमने बीच में भी इसके अग्नि लगाई है, इस बीच में भी हमने लगाई है। ठीक है सर, और मैं दिखा देता हूँ जो हमने किया है पीछे भी। चालू है सर, ये अस्थियां हैं सारी जिनको हम हरिद्वार या बेजघाट अपने हाथ से लेके जाएंगे। इसमें आध्यात्म सेवा ट्रस्ट हैं, स्वाति शर्मा जी हैं उनकी, उन लोगों ने बोला हुआ है कि हम लोग इसको खुद लेके जाएंगे यहाँ से। इसी तरीके से और भी जितने कमिशन ग्राउंड है अपने, वो लोग वहाँ से भी इनको इकट्ठा करके लेके जाएंगे सबको। अच्छा, सब अस्थियाँ हैं सर ये, लेकिन यहाँ तो अलग अलग कौन सा अस्थि किसका है वो नाम सर है तो, आप इनमें देखेंगे तो इनमें नंबर पड़ा होगा, इन पे नंबर है सर, नंबर होगा इन पे। सही देखिए आप, नाम नंबर सब पे होंगे सर, देखिए डेट लिखी है तो हमको डेट से मालूम पड़ जाता है कि किसकी कौन सी है, तो उसकी हम पूरा लिख के ले जाते हैं कि कौन सी किसकी है, फिर हम उसको जाके आते हैं। हाँ सब अस्थि ये प्रोवाइड करेंगे सर इनको। ये सर जो हम कर रहे हैं ये तैयारी हमारी कल की है, हमने अनल कल की तैयारी कर ली है, सब संतीज मंगा रहे हैं। हाँ। पूरी दिल्ली में सबसे अधिक लक्कड़ इसी क्रिमिनेशन ग्राउंड पे है, पूरी दिल्ली में सबसे अधिक जो भी सामान सामग्री
अभी क्रिया में लगती है वो सब इस किमिशन ग्राउंड पे है। इसके अलावा सर आप अदर में देखेंगे कहीं पे 650, कहीं पे 700, कहीं पे 900 रुपये लकड़ी के हैं, केवल इस पे है EDMC की वजह से 600 रुपये लकड़ का टन, 600 क्विंटल का है इसका है रेट, अपना 4 क्विंटल के आसपास हम लगाते हैं सब लगता है वो। इसके अलावा सर क्रिमेशन में जो भी सामान लगता है अपना सामग्री है, घी है, जो भी सामान आएगा आप कहीं बाहर से देखेंगे, आज सुबह मुझे मालूम पड़ा कि कोई 5100 सामान लेकर आया था, एक सुबह अपना कहीं दिल्ली से लेकर आया था वो 8100 के आसपास का सामान था, आपको इस क्रिमेशन ग्राउंड पे मात्र 2000, लेडीज का है तो 2100 रुपये का। इसके अलावा अगर 2000 का सर में घी है, सामग्री है, कपूर है, गंगा जल है, ठीक है, लोमान है, बाकी और आइटम होते हैं इनके, घड़ा है, एक बांस होता है उसका, एक ये सब चीज़ में आती हैं। अगर कोई ऐसा है उसका लकड़ फ्री है संडी जी की तरफ से, उसका लकड़ कोई पैसा देना है, केवल वही है 2000 रुपये, 2100 में तो उनका हो गया सामग्री उसका सामान, 2400 की है लकड़ी की पर्ची आपकी, उसके अलावा जो पंडित जी का अपना है 1200 रुपये वो उनका होता है, जो भी कोई दसा दे जाए पंडित जी को, हाँ 3500-3600 के आसपास में आपका कंप्लीट है इनका जी, 3500-3600 ये और करीबन 2000 रुपये वो, मतलब करीबन आपका जो है 5500-6000 में आपका ये पूरा हो जाता है। और किसी पे पैसा नहीं है तो उसके लिए सब चीज़ फ्री है सर, टोटल फ्री। सबसे अच्छा सबसे सस्ता वो है और संपूर्ण रीति रिवाज से इसका होता है। ये पूरा ग्राउंड था इनके हमारे लिए, लेकिन हम लोगों ने इस ग्राउंड को भी फिर यूज करा है चिताओं के लिए, मैं आपको इसी दिखाना चाह रहा था। ये पूरा ग्राउंड था किमेट करा आपने, अब इधर आके खड़े हो गए, लेकिन जब जगह नहीं बची तो हम लोगों ने इसको यूज किया। ये हमारे VIP घाट हुआ करते थे इसमें, हाँ आइए ऊपर आइए सर, अब हैं आइए बताता हूँ मैं आपको। इसमें हमने फिर दो की जगह है इसमें, लेकिन हमने फिर इसमें जो है 1, 2 और 3, ये 3 पायल्स ने तैयार करे थे, बीच में तो होगा ही होगा, ऊपर भी करा, उसके बाद में फिर हमने साइड में भी आप देख रहे हैं ये किया। ये इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे आपकी 115 जो 200 बॉडियाँ हमारे पास हैं 150 के आसपास में भी वो पूरी की मेट करी हैं। ये साथ देख रहे हैं ये पंडित जी लग रहे हैं इसमें, और ये साथ में हेल्पिंग में लक्कड़ लगा रहे हैं। क्या हो रहा है थोड़ा समझाइए। ये लकड़ी लगा रहे हैं इसमें संस्कार करने के लिए, बॉडी कवर कर रहे हैं, बॉडी कवर करने के बाद ये मटका तोड़वाएंगे, मटका तोड़ने अग्नि लगाएंगे। ये कहाँ से आप आए बाबू जी, कहाँ पीछे कहाँ रहने वाले हो आप? वसुंधरा, राम परस वसुंधरा, हाँ जी वही तो बोले थे मुझे, गलत बोले थे। ठीक है सर, ठीक है, अच्छी बात है।